गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 5 बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ फूड एंड हेल्थ. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5 एंड वी विल डिस्कस हियर पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिसीजेज. डिसीजेज की कोई टू मेन कैटेगरीज बताइए. आंसर कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. कम्युनिकेबल डिसीजेज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन पर ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो वन पर्सन से अदर पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 2 राइट टू सिम्टम्स ऑफ डिसीज बेरी बेरी डिसीज़ के कोई टू सिम्टम्स बताइए, कोई दो लक्षण बताइए. आंसर नंबर 1 एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना. नंबर 2 पैरालाइजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी बॉडी पार्ट का पैरालाइज हो जाना, मींस प्रॉपर वर्क ना करना. बॉडी पार्ट कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक लेग एंड आर्म्स. तो वो बॉडी पार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, इट मीन्स इट इज़ पैरालाइजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नेम एनी टू डिसीजेज डेट आर स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटोज. कोई ऐसी टू डिसीज के नेम बताइए जो मॉस्किटोज के बाइट करने से, काटने से स्प्रेड होती है. मॉस्किटोज मीन्स मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है. आंसर मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया ये 3 डिसीजेज़ के नेम हैं जो मॉस्किटोज़ के बाइट करने से स्प्रेड हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अ गर्ल फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट एंड हैज़ ड्राई एंड स्केली स्किन, नेम द डिसीज शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम. एक गर्ल है जिसको कम रोशनी में दिखाई नहीं देता और उसकी जो स्किन है वो भी ड्राई है एंड स्केली है, उस डिसीज़ का नाम बताइए जो उस गर्ल को है. ओके अगर किसी गर्ल को डिम लाइट मीन्स कम रोशनी में दिखने की प्रॉब्लम है, उसको दिखाई नहीं देता और उसकी स्किन भी ड्राई है, तो वो गर्ल किस बीमारी से, उस गर्ल को कौन सी बीमारी है. आंसर शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. उस गर्ल को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. क्वेश्चन 5 व्हाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आर होम्स. हमें अपने घर के पास पानी इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए. आंसर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आर होम्स. हमें अपने घर के नियर अबाउट वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, बिकॉज स्टेगनेट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो. जो खड़ा हुआ इकट्ठा हुआ पानी होता है, डैट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज. वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज ब्रीड करते जाते हैं, पनपते जाते हैं, एंड विच स्प्रेड डिसीज़ लाइक मलेरिया, और जिससे मलेरिया जैसी डिसीज़ फैल जाती है. इन रेनी डेज़ में अगर हमारे नियर अबाउट कहीं पर गंदा पानी है, इकट्ठा हुआ पानी है और काफ़ी दिनों से वो पानी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं और जो मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी डिसीज़ को फैला देते हैं. सो इसलिए हमें अपने नियर अबाउट वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट डी. यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक ऑफ साइंस. ओके, थैंक यू.